इस फिल्म में आपको बताया गया है कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का सट्टा मटका के जाल में फंस जाता है और मेंबरशिप यानी सॉलिड नंबर के नाम पे कैसे धोखाधड़ी हो जाती है तथा सट्टे का पक्का नंबर निकालने के लिए वह कौन कौन से प्रयास करता है तथा कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। इस कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले होती है। ये है साहिल यानी कि मैं। ये बात उन दिनों की है जब नई नई जवानी, उबलता खून और वो पैसे कमाने का जुनून। मेरी जिंदगी में मेरे पास पैसे कमाने के 2 रास्ते थे, एक सही और दूसरा गलत। मैंने कौन सा रास्ता चुना वो आप आगे देखिए। ये है मेरे 2 दोस्त। मेरी जिंदगी में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अरे साहिल भाई इधर ही आ। क्या यार परेशान हो गए रोज रोज के झंझट से? सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ। अब मेरे को ना भाई जल्दी जल्दी बढ़ा दे बंदे, ठीक है? या फिर जितना पैसा है ना अपने पास उसको जल्दी से जल्दी डबल करना है। ऐसी कोई स्कीम आ जाए यार, बड़े परेशान हो गए यार। कैसे भी कोई भी स्कीम हो, या तो पैसा डबल हो जाए या फिर जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बन जाए। भाई पैसे डबल करने के या जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का इस दुनिया में एक ही तरीका है, वो है सट्टा मटका। यहाँ पे 100 रुपए के 9000 रुपए मिलते हैं। अच्छा? हाँ भाई। 100 रुपए के 9000 यानी 1000 रुपए के 90000, ऐसे तो बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे यार। साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बे? भाई ये सब रहने दे, इसमें बहुत रिस्क है। और भाई इस गेम से मैंने लोगों के घर गाड़ियां बिकते देखे हैं, मैंने बहुत से लोगों के। तू इस खेल से दूर रहे भाई, तेरी इसी में भलाई है। साला जलता है मेरे से, तू मेरी भलाई मत सोच, तू अपना देख मुन्ना। विकास भाई तुम बता ये कैसे खेला जाएगा, कहां से खेला जाएगा और कितने रुपए से हम इसका शुभारंभ करें? देख भाई इसमें कुछ नहीं करना, तेरे को सबसे पहले 100 रुपए लगाने हैं, उसके बाद तेरे पास पैसे पैसे बताएंगे। इतना पैसा थोड़ी बड़ी पार्टी आएगी अपने पास की, और रेस आराम से देंगे बैठे दोनों भाई। क्या कहता है? सही है यार, बस भाई जल्दी से शुरुआत करते हैं, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। दोस्त की बातों में आकर मैं अपनी जिंदगी झंड करने चला गया। भाई इसको गेम खेलना है, अब इससे डर। भाई ये इस गेम में नया है। अच्छा। इसको गेम समझाना है। भाई इसमें क्या होता है, 1 से लेके 100 तक नंबर होते हैं, ठीक है? जैसे कल्याण मटका है, दिसावर मटका है, नागपुर मटका है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, ठीक है भाई? भाई इसमें क्या होता है कि 100 रुपए के अंदर 9000 रुपए मिलते हैं, ठीक है? अगर 100 रुपए का सट्टा पास हो गया तो मिलेंगे 9000, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो 100 रुपए के। 100 रुपए चले जाएंगे तो क्या होता है यार, लेकिन 9000 आएंगे वो देख तू बस। मेरे कल्याण मटका पे 7 नंबर पे पैसा लगा दे भाई। 7 नंबर पे? हाँ जी भाई, पैसा आ तो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल भाई, शोर। भाई यार विकास कितने बजे आता है रिजल्ट? भाई 5 बज तो गए यार आज।
भाई रिजल्ट आ गया। कहाँ से भाई रिजल्ट आ गया? ये देख 07 नंबर निकल गया। तुझे पहले भी कहा था बहुत जल्द अमीर बनाते छोड़ूंगा तुझे। चलें चलें उसके बाद चलेंगे। हाँ भी साहिल कर दिया तूने धमाल। आ गया तेरा 7 नंबर। ये ले तेरे नोट है। मजा आ गया यार। कल कितने बजे आया था रिजल्ट? 5:15 आया था। बस आने वाला है। हाँ आ गया भाई। आज फिर से नंबर निकल गया। वाह भाई वाह यार विकास भाई ऐसे तुम बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे यार। यही है भाई यही तो बताया था। अबे एक काम करते हैं मेरे पास में ये 100 रुपए ले आते हैं 9000 मिलते हैं अब ना बड़ा मिलेंगे यार ठीक है ना। अब डायरेक्ट 1000 रुपए का मिलेंगे डायरेक्ट। सही है भाई सही है। अब ना विकास भाई ये गरीबी अपने थोड़े दिनों की है। अब करोड़पति सही है भाई सही है। बस भाई मैं पैसे लेके आता हूँ ठीक है। जल्दी जाओ भाई। और भाई आज ना पार्टी करेंगे मस्त। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मजा आ गया ना विकास भाई? हाँ भाई पूरा मजा आ रहा है। अब तेरा भाई करोड़पति बनने वाला है। हाँ भाई है बनाल पे छोड़ूं। इतना करोड़पति बनेंगे कि पैसा है ना पैसा पैसे कर देंगे पैसे को। अब तेरा भाई मटके का मास्टरमाइंड है चट्टा मटका का ठीक है। हाँ भाई। ए मुना नहीं है क्या? ये साला राम के पैसे की पीता पीता नहीं है ना। और हाँ साले सट्टा किस्मत का खेल नहीं है सट्टा कलेजे का खेल है। आज नहीं तो कल पत्ता पलटेगा। सुना था लालच बुरी बला होता है लेकिन मेरे लिए इतनी बुरी बला हो जाएगी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मेरी जिंदगी झंड होने की अच्छी खासी शुरुआत हो गई थी। अब रोजाना मटका खेलना नंबर निकले ना निकले कोई परवाह नहीं। 11 नंबर पे 1000 रुपए। और जिसावर का रिजल्ट कितने बजे आता है? सुबह 4 बजे। ठीक है ठीक है भाई। आज तुमने कितने नंबर पे लगाया था? मैंने जिसावर पे लगाया था भाई 11 नंबर पे। आज यार जिसावर 11 नंबर भाई यार आज 13 नंबर नहीं आया। आज तो कोई 17 नंबर निकला यार। क्या 17 नंबर निकल गया यार? क्या आया सुबह सुबह ये खबर मिली हार गए। अरे कोई बात नहीं भाई एक दिन से क्या होता है यार आज आज ही तो हारा है कल फिर से जीतेंगे और ज्यादा रुपए लगाएंगे और सारा नुकसान भरपाई कर लेंगे। सही है चलो सही कोई ना? नहीं आज नहीं तो कल पत्ता पलटेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल सर। कमाल है यार मैंने भी पैसा कमाने का कितना गजब का शॉर्टकट निकाला था। अब ऐसे ही चलते चलते काफ़ी समय बीत गया रोज़ाना मटका हारने लगा। अब दिन रात यही ख्याल चलता रहता कि नंबर कहाँ से निकालें किस नंबर पे पैसा लगाएं कौन से बाज़ार में लगाएं लेकिन मेरे सारे पैंतरे फेल होते गए। तो अब नंबर नहीं निकल रहा था तो टेंशन होने लगी स्ट्रेस भी बढ़ने लगी। तो मैंने नशे को ही अपना सहारा बना लिया जिससे मुझे काफी सुकून मिलने लगा था। क्या है यार फिर से हार गया। हारता ही हारता जा रहा ब
साहिल भाई क्या हुआ, इतना उदास सा कैसे बैठा है भाई? भाई क्या बताऊं यार, सब बर्बाद कर दिया पैसा भाई। अरे भाई तुम फिक्र मत कर, मेरे ध्यान में बंदा है, वो अपने को परमानेंट नंबर देगा, एक फिक्स नंबर बताएगा। भाई शुरू शुरू में तो सट्टा नंबर गजब का निकलता था भाई, आज 2 महीने हो गए नंबर ही नहीं निकल रहा, हारते ही हारते जा रहे हैं भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, वो अपने को एक फिक्स नंबर बताएगा, उनका पास कंपनी है उनकी, तो उनके पास एक लीक नंबर आता है, लेकिन भाई उसके लिए हमें उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी यार, 8,000 रुपए लगेंगे भाई। 8,000 में नंबर तो पक्का देगा ना? पक्का नंबर आएगा भाई, एकदम श्योर। पक्का श्योर है? पक्का भाई पक्का। मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? हाँ भाई, 8,000 रुपए लगेंगे। गेसर है क्या कोई? हाँ पक्का गेसर है भाई। चलो ट्राई कर लेते हैं भाई। हाँ हाँ ट्राई करो भाई। नंबर तो फिक्स होगा ना? हाँ आपको सॉलिड नंबर मिलेगा कल्याण में। अच्छा अच्छा भाई, मेरी बात हो चुकी है उनसे, बस तो पेमेंट कर दे, अपना फिक्स नंबर आ जाएगा। पेमेंट नंबर आने के बाद में करनी है क्या? नहीं नहीं भाई, पेमेंट पहले करनी पड़ेगी यार, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार, पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, नंबर फिक्स आएगा। चलो तुम बोलते हो, मैं कर देता हूँ। हाँ कर दे। विकास भाई नंबर तो भेज दिया उसने। अच्छा अभी अपने पास सॉलिड नंबर है ना? पक्का? हाँ पक्का नंबर है। तो एक काम करते हैं, पूरा लॉस कवर करने की यही एक आज मतलब सिस्टम है अपना, ठीक है? आज 15,000 रुपए लगा देते हैं, 15,000 कल्याण मटका पे 90 नंबर पे 15,000 रुपए लगा दो भाई। पैसे की क्यों टेंशन कर रहा है यार, पैसे आज तक खाए हैं क्या तेरे भाई? उधार नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी फोन पे कर देता हूँ तेरे को 15,000 रुपए, ठीक है? अभी करता हूँ 15,000 रुपए फोन पे, और मेरा कल्याण मटका पे 90 नंबर लगा दे, ठीक है? भाई ये कमल बोल रहा है उधार नहीं होगा, पेमेंट पहले करनी पड़ेगी यार, तेरे पास कुछ पैसे हैं? मैं लुटा दूंगा भाई, आज तो सॉलिड नंबर है। पैसे नहीं है भाई, सॉलिड नंबर है, लुटा दूंगा तेरे। है नहीं यार मेरे पास भाई, तेरे पास बाइक है ना, बाइक भेज दे। अरे भाई मेरे पास एक कस्टमर है, तू कह बात करूँ, अभी बिकवा दूंगा तेरी बाइक। देख ले भाई, अगर लॉस पूरा करना है तो बाइक तो वैसे तो अपने पास सॉलिड डब आई जाएगी, बाइक बहुत नहीं लगेगी इसे। हां हां बिल्कुल, कर ले बात बाइक, ठीक है भाई? बाइक जल्दी कर। 8,000 की मेंबरशिप लेके इतना एक्साइटेड हुआ कि अपना बुलेट बेच कर भी सट्टा खेल गया। लेकिन होना क्या था भाई, क्या हुआ, इतना उदास क्यों लग रहे हैं? बोल भाई क्या, वो बता दो। भाई यार तुम उस टाइम बहुत सही बोल रहा था, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी भाई, मैं बहुत बुरे दलदल में फंस गया हूँ यार, सट्टा मटका के। कोई बात नहीं भैया, लेकिन भाई अब मैं इस रास्ते से वापस मुड़ के नहीं आ सकता, ये रास्ता सिर्फ आगे की ओर जाता है, वापस मुड़ के नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, कोशिश कर तू। नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, लेकिन इस सट्टेबाजी की लत को नहीं छोड़ सकता यार। मैंने इस सट्टाबाजी की लत में अपने 2 लाख की सेविंग बर्बाद कर दी, मैंने अपना बुलेट बेच दिया भाई, अब तो बस घर बचा है अपना, सब बर्बाद हो गया भाई। और पंकज भाई अब तो आर होगी या पार होगी, या तो जो बचा है वो भी चला जाएगा, या मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा भाई। भाई कुछ भी हो जाए मैं इस सट्टा की लत को नहीं छोड़ सकता भाई, कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता भाई। कोई बात नहीं भाई, तू अभी आराम कर और मैं सट्टे की बाजी खेलता खेलता अब मैं नशे की बाजी भी खेल गया। सट्टा में नंबर कैसे निकाले? क्या हुआ, कैसे उदास क्यों बैठा मेरे शेर? भाई मैं तेरे चक्कर में आ गया ना, अपना सब कुछ गवा बैठा, आज मेरी
फेवरेट बाइक जो मुझे जान से भी प्यारी थी वो भी सेल हो गई भाई तेरी वजह से। भाई यार मैंने तो तेरा लॉस कवर कराने के बारे में सोचा था यार। भाई तेरे बताने के बाद में मैंने पता नहीं कितने गेसर से मेंबरशिप ले ले कि मैं सब डूब गया भाई, कुछ नहीं बचा मेरे पास, घर बचा है बस, और कुछ नहीं है। ये गेसर हमें धोखा दे गए भाई, पर कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं एक बाबा को जानता हूँ भाई। अब मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई, देख ले भाई मर्जी है तेरी, बाकी मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। तूने अमीर बनने के लिए बोला था, मैं तुझे अमीर बनाकर छोड़ूंगा। कौन है यार बाबा ऐसा, कौन नंबर देता है यार भाई? है भाई मेरे जानकारी में एक बाबा है, वो तुझे बिल्कुल फिक्स नंबर देंगे भाई। वो बहुत जाने माने बाबा है, तुम ऐसे हल्के में मत ले उनको। ये नहीं है अपने सिंगाटिया जी, आज देख उनका कितना बड़ा होटल है, उन्हीं के पास जाते हैं। सिंगाटिया जी बाबा के पास जाते हैं? बिल्कुल, उन्हें के बताए वैसे ही करते हैं वो, तभी देख आज पूरे शहर में नाम चलता है उनका। भाई बता देंगे बाबा जी, तेरा हाथ देख कर तुझे ऐसा नंबर बताएंगे तेरी किस्मत पलट जाएगी भाई। चलो भाई उसको भी देख लेते हैं। चल भाई मेरे साथ चल, तू खड़ा हो चल। यही एक सच्चा दोस्त था जो मुझे करोड़पति बना कर छोड़ेगा। बाबा जी ये बालक बहुत दुखी है, इसके पिछले काफी दिनों से बहुत नुकसान हो रहा है, इसका हाथ देखकर कोई उपाय बताओ ना। एक बात याद रखना, बाबा जी ने कहा है कि पूरी बड़ी रकम लगानी है इस बार। बड़ी रकम कहाँ से लेके आऊंगा? अरे भाई तेरे पास तेरा घर है ना यार? भाई घर नहीं दे सकता मैं भी किसी। बाबा जी पे भरोसा है तो उसको एक बार गिरवी रख दे, पैसे आएंगे तो घर छुड़ा लेंगे अपन। यार अगर नहीं आए तो? यार देख बाबा जी पे भरोसा नहीं है क्या तेरे को? भाई बाबा जी पे तो भरोसा है मेरे। हाँ तो बस जो बाबा जी ने बोला है वो कर दे बस। सट्टे का भी एक अलग लेवल का नशा था यार, हारता ही हारता जा रहा था लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि सब कुछ वापस ले आऊँगा। इसी चक्कर में मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया। कभी उस सट्टे मटके को बुरा कहता हूँ तो कभी अपनी किस्मत को दोष देता हूँ। बाबा जी का बताया नंबर आज फिर से फेल हो गया। अब मेरी जिंदगी में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। काश ए जिंदगी मैं उस दिन पैसे कमाने का शॉर्टकट ना लेता तो आज मेरी जिंदगी का शॉर्टकट ना होता।